गर्म लहू से तपते दिन और रात ठंडी मीठी। एक जगह है धरती पे चढ़ के चंदा सूरज बदल करवट है, बेरू के उस सागर पे धरती की उस चादर पे मीलों धोरों की सिलवट है। पगड़ी सर पे सजती है शहनाई जो बजती है, उसके घर आने की ये आहट है। कल की तरह आज का दिन भी मेरे लिए बीते सुनहरे कल की अद्भुत सौगातों से भरा था। कल जहाँ मेरी पहचान हुई मेवाड़ के गौरवमय इतिहास और इतिहासकारों से, वहीं आज मैं रूबरू हुई गुजरे जमाने के राजसी ऐश्वर्य से। जब आज सवेरे सूरज हमें ले पहुँचा उदयपुर स्थित सहेलियों की बाड़ी, जो उस जमाने के ऐश्वर्य और मनोरंजन के माध्यम की एक जीवंत मिसाल है। फतेह सागर झील की पाल के नीचे हरे भरे बाग बगीचों के बीच है सहेलियों की बाड़ी। मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही फव्वारे आपका स्वागत करते हैं और फिर इन फव्वारों से आपका साथ आखिर तक बना रहता है। कुछ कदम आगे चलने पर है एक और दरवाजा और उसके बाद खुला चौक और जलकुंड। जलकुंड के बीच सफेद संगमरमर की छतरी के छज्जों से गिरती जल धाराएं, चारों कोनों पर काले संगमरमर से बनी चार छतरियां, बोगनवेलिया की लताओं पर रंग बिरंगे फूलों की छटा और हर तरफ फव्वारों से निकलता जल तरंग सा संगीत। इस जल कुंड के चारों तरफ इतने फव्वारे लगे हैं कि इनके शुरू होने पर लगता है जैसे बरसात हो रही हो। इन फव्वारों की बौछार में तन बदन भिगोते आप इस जल कुंड की परिक्रमा कर सकते हैं। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने 18वीं शताब्दी के मध्य में इसका निर्माण कराया और फिर महाराणा फतेह सिंह ने इसका पुनर्निर्माण कराया। कहा जाता है कि राजघराने की राजकुमारियां अपनी सखियों के साथ यहां मनोरंजन और घूमने फिरने के लिए आया करती थी, इसीलिए इसे सहेलियों की बाड़ी कहा जाता है।
रोचक तथ्य ये कि ये सभी फव्वारे प्राकृतिक रूप से सिर्फ वाटर प्रेशर से चलते हैं, कोई पंप आदि इनको चलाने में प्रयोग नहीं किए जाते। तरफ हरे भरे पेड़ों का झुरमुट, फूलों की क्यारियां, यही है उदयपुर की सहेलियों की बाड़ी। जहां आज सुबह सहेलियों की बाड़ी के प्राकृतिक सौंदर्य ने हमारे मन को गदगद कर दिया, वहीं आज की शाम भी कुछ कम न थी। आज शाम हम जब उदयपुर की पहाड़ी पर स्थित प्रताप स्मारक देखने गए तो प्राकृतिक सौंदर्य और इतिहास के इस मेल को देखते ही रह गए। फतेह सागर झील के किनारे स्थित मोती मगरी पहाड़ी को महाराणा प्रताप स्मारक के रूप में विकसित किया गया है। यही पहाड़ की चोटी पर स्थापित है इतिहास पुरुष महाराणा प्रताप की मूर्ति। अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार महाराणा प्रताप की ये भव्य छवि उतनी ही भव्य और विराट जितना खुद महाराणा प्रताप का व्यक्तित्व। चेतक पर सवार महाराणा प्रताप की प्रतिमा की आधार पीठिका के पाषाण पर अंकित है हल्दी घाटी का वो ऐतिहासिक युद्ध जिसमें महाराणा प्रताप के सैनिकों ने मुगलों की विशाल सेना का वीरतापूर्वक मुकाबला किया था। इसी के दूसरी तरफ उकेरा गया है महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त घोड़े चेतक का बलिदान जिसने हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा को बचाते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। शत शत नमन शौर्य और पराक्रम की साकार प्रतिमा को, शत शत नमन राजस्थान की आन बान और शान को, शत शत नमन महाराणा प्रताप को। ये है देशभक्ति का अनोखा परिचय देते मोती महल के खंडहर। महाराणा उदय सिंह ने पन्ना धाय के पुत्र की स्मृति में मोती महल का निर्माण कराया था। पन्ना धाय का त्याग मेवाड़ के इतिहास की वो अविस्मरणीय गाथा है जिसमें उसने मेवाड़ के भावी महाराणा बालक उदय सिंह के प्राणों की रक्षा करने के लिए उसके स्थान पर अपने पुत्र के प्राणों की बलि दे दी थी। इसी मोती मगरी पर स्थित है एक आर्ट गैलरी जहां मेवाड़ के इतिहास से जुड़ी कई घटनाओं को चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। बप्पा रावल, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, महारानी पद्मिनी, मीराबाई, पन्ना धाय का बलिदान, हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध,
ये सभी मेवाड़ के इतिहास के वो जगमगाते व्यक्तित्व और घटनाएं हैं जो इस इतिहास को गौरव और गरिमा प्रदान करते हैं। इन्हीं की एक झलक हमें देखने को मिलती है इस आर्ट गैलरी में। इसी गैलरी में देखने को मिलते हैं चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और हल्दी घाटी के मॉडल्स, जो इतिहास के पन्नों को हमारे सामने जीवंत कर देते हैं। प्रताप स्मारक से लौटते हुए हम जा पहुँचे उदयपुर की एक बहुत ही शानदार हेरिटेज हवेली जगत निवास, जो बीते हुए कल की स्थापत्य कला और आज की सुख सुविधाओं का एक बेजोड़ मिसाल है। राजस्थान के ऐतिहासिक हवेलियों का जीर्णोद्धार कर इन्हें अपनी मूल ऐतिहासिकता और भव्यता के साथ संरक्षित करने की परंपरा रही है। धरोहर के संरक्षण की इसी परंपरा का उदाहरण है जगत निवास पैलेस, जो अपनी ऐतिहासिक भव्यता के साथ सभी आधुनिक सुख सुविधाओं से सुसज्जित है। अपनी भव्यता और आकर्षक स्थापत्य कला को समेटे ये हवेली आज भी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। जगत निवास की छत से पिचोला लेक और आसपास के महलों का विहंगम दृश्य देखते ही बनता है, और रात होते ही यहाँ के ये स्मारक जब कृत्रिम रोशनी में नहा उठे तो मन यही बस जाने को किया। यहीं जगत निवास में मेरी मुलाकात हुई यहाँ के ओनर मिसेस जया शेखावत से। दिस हवेली सीइंग द फ्यूचर ऑफ टूरिज्म वाज कन्वर्टेड इनटू अ हेरिटेज होटल बाय माय हस्बैंड वे बैक इन 1987। यस, सो बिफोर दैट इट अंडरवेंट लॉट ऑफ रेनोवेशंस टू प्रोवाइड विद ऑल मॉडर्न एमेनिटीज एंड to bring it up to this stage. And like, what was the history behind this place? This haveli belonged to the noble family. Okay. Like which gharana? It belonged to my husband. And he belongs to? Jagat. We come from Jagat family. Okay. So the Jagat temple is situated in Jagat village. Okay, okay. And Jagat village is the ancestral village of my husband. Okay. So ma'am, yours is a heritage property. So what do you feel, like what's the future of, not only future, in fact, also present of heritage
properties in Rajasthan, because there are many heritage properties in Rajasthan. All heritage properties in Rajasthan, they have a whole good future. Tourism is really flourishing in Rajasthan, mm-hmm. and people love to come and stay in heritage properties, mm-hmm. instead of going to these all new modern hotels. They like to, all the tourists, they love to come and experience the the culture and the architecture. आपको क्या लगता है कि क्या बात होती है इन हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ में, क्या फील होता है कि जो लोगों को जो आजकल जो मॉडर्न होटल्स है, जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स है, उनमें नहीं मिलता? दे आर वेरी चार्मिंग एंड वेरी एस्थेटिकली बिल्ट एंड आई फील दैट कैरेक्टर इज मिसिंग इन ऑल दीज न्यू बिल्डिंग्स एंड मोस्टली ऑल दीज हेरिटेज होटल्स आर फैमिली रन hotels. Okay. So the atmosphere is very warm, very welcoming. Mm-hmm. So like jaisa ki Rajasthan tourism ka slogan hai, atithi devo bhava. Right. Ek aur question ma'am, ki ye to baat hi Rajasthan ki, lekin Udaipur mein itne sare heritage properties hai. Mm-hmm. Abhi tab main aa rahi thi, that time I noticed too many havelis, beautiful havelis. To aap bhi tourism industry se hai, तो आपको फ्यूचर स्कोप क्या लगता है यहाँ पर, खासकर उदयपुर में टूरिज्म का? टूरिज्म का फ्यूचर बहुत अच्छा है, प्रोवाइडेड नो वी मेंटेन दैट ओल्ड वर्ल्ड चार्म. नो वी यस ऑल दीज ओल्ड बिल्डिंग्स दे नीड रेस्टोरेशन एंड ऑल दैट, बट नो दैट शुड बी डन कीपिंग इन माइंड द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर विच इज नो Mewari style of architecture. So then the future is very good. Mm-hmm. And if we don't, we spoil that character, mm-hmm. that old world charm, mm-hmm. if it's gone, mm-hmm. then mm-hmm. we won't have that much good future for the tourism. Mm-hmm. People are actually coming to see that, to experience it and to feel it. तो आप कह रहे हैं कि renovation जरूरी होता है, right? जरूरी होता है, but you have to keep in mind the style of architecture. You have to maintain that. So like, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? जैसे उदयपुर है, यहाँ का जो स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है वो टिपिकल मेवाड़ी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है. तो जो भी रेनोवेशन बिल्डिंग में करा जाए वो उसको ध्यान में रखते हुए करना चाहिए. लाइक टू जो पेंटिंग्स है पुरानी, उनको वैसा एज इट इज वैसे कि वैसे ही रिस्टोर करना चाहिए. उसको कोई एक्स्ट्रा पेंट्स नहीं, ऐसा नो दैट ओरिजिनलिटी शुड बी मेंटेन्ड. ओके, दैट्स व्हाट आई फील एंड दैट इज व्हाट द फीडबैक वी गेट फ्रॉम द टूरिस्ट. In few rooms we have those old paintings, uh-huh. and we have maintained them as it is. मैम, मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे जो फॉरेन टूरिस्ट है वो ज़्यादा है, तो अगर बात की जाए इंडियन टूरिस्ट वर्सेस लाइक इंडियंस वर्सेस फॉरेन टूरिस्ट, तो रेशियो क्या है? रेशियो तो आप ये सोचो कि 70-30 का. सो व्हाट, सो 70% जो हमारी क्लाइंटल है वो फॉरेनर्स हैं. ओके, फॉरेनर्स एंड 30 इज इंडियन. और फॉरेन में बेसिकली कहाँ से ज़्यादा आते हैं? मिक्स्ड आती है, मिक्स्ड क्लाइंटल है. यूरोपियंस भी आते हैं, और काफ़ी यूरोपियंस आते हैं, एंड अमेरिकन्स भी हैं, ऑस्ट्रेलियंस हैं काफ़ी. इंडिया हर कौन हर जगह के लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है. इंडियन क्लाइंटल जो हमारी आती है यहाँ पर, जो इंडियन टूरिस्ट आता है, वो मेट्रो से एंड ऑल ओवर इंडिया. लाइक दैट मींस कि हमारा राजस्थान इंडिया के लोगों को तो अपनी तरफ खींच ही रहा है, फैसिनेट करता है बहुत ज्यादा, लेकिन साथ ही साथ पूरे वर्ल्ड के लोगों को भी खींच रहा है बिकॉज ऑफ इट्स चार्म, ट्रेडिशन, कल्चर. डेफिनेटली. ओके, Rajasthan is very charming, mm-hmm. and that's why it's pulling everybody from world over. Okay. Tourists are coming here. That's why even I'm here for my research. Ma'am, it was really very nice talking to you. You provided me with lots of information.
Thank you. You're welcome. तो इस तरह गुजरा मेरे इस सफर का एक और यादगार दिन, जिसने मुझे न सिर्फ यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य से रूबरू कराया, बल्कि इस बात का भी एहसास कराया कि तप और अब का मिलन कितना सुंदर और सुकूनदायक हो सकता है। धर में जाके